क्राइम ब्रांच ने डबरा में हुई 35 लाख की सनसनीखेज लूट मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने संतोष चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके कब्जे से लूट के 6 लाख रुपए और कट्टा भी बरामद किया। पुलिस ने इस लूट कांड के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 35 लाख में से 32,51,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर कारोबारी सेवक राम बजवाज के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। अपने सहयोगियों के साथ सेवा कराम बैंक से जो है 35 लाख रुपए नकदी बैग में लेकर दफ्तरी जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आई बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर कारोबारी पर हमला कर दिया और बैग छीनकर भाग गए। घटना के दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की थी। बाईस नवंबर के दिन डबरा में सेवक राम बजाज जी जो वहाँ के व्यवसायी हैं और ये गल्ले का काम भी करते हैं, HDFC बैंक से 35 लाख रुपए लेके निकले थे। लगभग 12:30 बजे ठाकुर बाबा रोड पे 3 आरोपियों ने, जो कि एक बाइक में सवार थे, कट्टे से फायर करके इनका बैग छीन लिया था और बड़ी सनसनीखेज घटना थी, बीज बाजार में हुई थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच डबरा सिटी के थाना प्रभारी, उनकी टीम और सभी लोगों ने, हमारे बहुत सारे इसमें राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी लगे थे, लगातार मेहनत करते हुए 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लगभग 27 लाख रुपए की रकम पूर्व में बरामद की जा चुकी।